तो पहले तो आप ये बताएं कि शाहीन की जो फिटनेस है वो एक बड़ा इशू रहा है कुछ अरसे से, महीनों से हम देख रहे हैं उन्होंने एशिया कप भी नहीं खेला, वर्ल्ड कप में भी। इस बार क्या लगता है शाहीन के ऊपर कितना बड़ा ये डेंजर होगा कि फिटनेस उनकी क्या आपको लगता है 100% होगी गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट एज द कैप्टन ऑफ अ डिफेंडिंग चैंपियंस टीम? जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा इश्यू चल रहा था जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने स्ट्रगल की भी किया इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, और बाद में अगर आप देखें हमारी जो फ्रेंचाइज ने अपने बॉलर्स को टेस्ट मैच नहीं खेलने दिए, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, अब पाकिस्तान टीम ने अगर स्ट्रगल किया लास्ट एक दो सीरीज में टेस्ट मैचेस में बिकॉज ऑफ के फ्रेंचाइज ने अपने फास्ट बॉलर्स को रोक लिया था कि आप हमें आप दस्तयाब होने चाहिए पीएसएल में, तो उसमें पाकिस्तान टीम ने स्ट्रगल किया था फास्ट बॉलिंग में स्पेशली। तो आई होप कि इस पूरे पीएसएल में सारे फास्ट बॉलर इंजर्ड नहीं होंगे और सारे फास्ट बॉलर हर मैच खेलेंगे, आप देख लीजिएगा। चलें, ये तो बहुत हमारे लिए भी एक्साइटिंग होगा, लाहौर कलंदर्स के लिए तो होगा ही, लेकिन एज फैंस यू नो ये पूरा बॉलिंग अटैक देखना इन फुल फोर्स, बड़ी से बड़ी टीम और स्पेशली आप जैसे कि लाहौर के पास जिस तरह की बॉलिंग है बहुत अच्छी डेप्थ भी है, नीचे से भी बॉलिंग उनके पास ऑलमोस्ट पूरा सेट है बॉलिंग का, स्पिनर्स में भी फास्ट बॉलर्स में भी, और वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग उनका जो सेट है इस वक्त बनाया हुआ उन्होंने, क्योंकि आकिब भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरा अपना अकाउंट पूरा उन्होंने अपना हिसाब किताब जरूर लगाया होगा कि मुझे तो पीएसएल में ये पूरा बॉलिंग सेटअप चाहिए। मगर आप बाकी टीमों की भी अगर बॉलिंग देखते हैं तो ठीक है, एक आध एक्स्ट्रा बॉलर जरूर है लाहौर कलंदर के पास, मगर बाकी टीमों ने भी अपना वर्कआउट पूरा करके आया, होपफुली कि मैच बहुत अच्छा होगा। इसमें रोह एक चीज़ है कि अफरीदी पे बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि देखें वो उसको पिछले साल जो टूर्नामेंट हो रहा था हमारा मेजर टूर्नामेंट उसमें उसको खिलाया गया था और वो फिट नहीं था, याद है, वो स्ट्रगल कर रहा था। तो मेरे ख्याल में अब शायद जो आसिफ बात कर रहे हैं कि वो उसको टेस्ट मैच में नहीं खिलाया, उसकी मेरे ख्याल आसिफ रीज़न ये थी शायद वो फिट नहीं था, और अभी भी मुझे डाउट है कि जो उसकी इंजरी है, क्योंकि कैप्टन है उसने जोर लगाना, प्रेशर पड़ेगा आसिफ चूँकि खुद फास्ट बॉलर रहे हैं, इनको पता है कि जब प्रेशर पड़ता है तो फास्ट बॉलर की कोशिश होती है कि वो स्ट्राइक आउट करके दे, जान मारे, क्योंकि आसिफ ये करते रहे ना कि आसिफ को हमेशा लेके आते थे कि यार एक विकेट दिलवा दे, तो अफरीदी पे बड़ा प्रेशर होगा। अब उस प्रेशर में मे भी अल्लाह ना करे अगर वो जोर ज़्यादा लगाता है तो कहीं अनफिट होने का चांस ना हो, और मैं समझता हूँ कि अगर वो फिट नहीं है तो उसको ये भी स्किप करना चाहिए ताकि अगले आने वाले मैचेस में वो 100% जितनी देर आप फिट नहीं होते आपको नहीं खेलना चाहिए, स्पेशली फास्ट बॉलर, क्योंकि फास्ट बॉलर बैट्समैन फिर भी चल जाते हैं, हम लोग फिर भी चला लेते थे काम, मगर फास्ट बॉलर का बड़ा मुश्किल काम होता है। चलें, आसिफ ने तो शुरू में ही हमें प्रिडिक्शन अपनी दे दी है कि मुल्तान को थोड़ा सा एज होगा, नो डाउट होम ग्राउंड का तो एक एडवांटेज होता ही है, हर टीम को होता है, लेकिन अगर हम बिफोर वी गो टूवर्ड्स मुल्तान सुल्तान्स स्पेसिफिकली अगर हम ओवरऑल पीएसएल को देखें, इस साल 8वां एडिशन है और बहुत चेंजेस हुए, ड्राफ्ट जिस तरह हुआ तो जो चेंज सबसे मेजर चेंज हमारे सामने आया था वो ये था कि पेशावर ज़ल्मी के अब एक नए कप्तान होंगे वो हैं बाबर आज़म, और कराची किंग्स को भी इमाद वसीम दोबारा से लीड कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा मेजर चेंज इस बार होगा। किस तरह देखते हैं आप बाबर आज़म को एज कैप्टन ऑफ पेशावर ज़ल्मी? बिल्कुल जी, देखें चेंज तो हुआ है कि कैप्टन चेंज हुए हैं, उसकी रीज़न ये थी कि पिछले साल अगर आपने देखा हो कराची इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका था और थ्रू आउट एक भी मैच मेरे ख्याल शायद वो नहीं जीती थी, और उसकी रीज़न ये थी कि सच ही बोल रहे हैं आपने क्योंकि उसमें बाबर बहुत स्लो खेलता रहा था, और जिसकी वजह से क्योंकि देखें पहले 6 ओवर्स ऐसे होते हैं अगर उसमें आपको स्टार्ट अच्छा ना मिले, अगर आप स्लो स्टार्ट करेंगे तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप स्ट्रगल करते हैं आके, नीचे वालों को मुसीबत होती है, हिटें मारनी पड़ती हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि एक नया कप्तान आया है कराची का, आपको चेंज नज़र आएगी, फिर पेशावर में बाबर गया है, बाबर को एक चीज़
चूँकि पाकिस्तान का भी कैप्टन है, बहुत बड़ा प्लेयर है हमारा पाकिस्तान का, मगर उसको एक चीज़ पे काम करना होगा कि थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा देना पड़ेगा जलमी को, अदरवाइज़ उनकी टीम स्ट्रगल करेगी। बिल्कुल, तो ये अच्छी चीज़ है, कप्तान चेंज होने चाहिए, जिन उनको शायद टीम उनकी स्ट्रगल कर रही थी उन्होंने चेंज कर दिया। गुड लक टू बाबर आजम, बाबर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नो डाउट, ये एक रिफ्रेशिंग चेंज है पेशावर जलमी की तरफ से भी कि एक नई लीडरशिप के साथ वो अब मैदान में उतरेंगे, और अब हम उनके बारे में भी बात करेंगे। बट यूसुफ भाई, अगर हम अभी मुल्तान के बारे में बात करें, ओवरऑल उनकी जो अप्रोच है, पिछले सीज़न में भी हमने यही देखा कि वो पावर हिटिंग को काफ़ी तरजीह देते हैं, काफ़ी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पावर हिटिंग है। इस सीज़न में क्या लगता है, कहाँ तक उनकी ये, क्योंकि उनकी अप्रोच रिस्की भी बहुत रही है, तो कैसे आप देखते हैं उनके इस सीज़न में, थोड़ा डिफरेंट खेलेंगे या हम वही पुराने मुल्तान सुल्तान्स को देखेंगे इस बार? नहीं, मेरे ख्याल जिस तरह की उनका मैंने वो देखा है, टीम सारी देखी है, उसमें ओपनिंग तो रिजवान और शान मसूद ही करेंगे, और मेरा ख्याल है कि शान मसूद भी बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से जा रहा है, उसके 34 गेम्स है, 136 का स्ट्राइक रेट है। रिजवान जो है उसका देखा जाए कि वो एंकर रोल प्ले कर रहा होता है, टीम को ले कर चल रहा है, क्योंकि डाउन द ऑर्डर उनके पास पावर हिटर बहुत ज़्यादा है। रेलो रोसो है, डेविड मिलर है, इसकी जो हमारा खुशदिल शाह है, इसका इस क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर लास्ट ईयर देखा जाए, उसने विकटें भी बहुत ज़्यादा ली थी, मैं 18 से 19 विकटें भी ली थी, और मैच फिनिशर भी आखिर में उसने काफ़ी ऐसा इनिंग्स खेली थी जिसके उनकी टीम को फ़ायदा हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जो है कि शुरू से जो ओपनिंग स्टैंड है वो बड़ा स्टेबल है और बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, और बाद में जो उनका पावर हिटिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और मेरा ख्याल मिलर, मुझे नहीं लग पिछले साल था या नहीं था इनके साथ, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इस साल जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है थ्रू आउट सीरीज़, पूरे साल में जो जिस तरह खेल रहा है, वो IPL में और अभी साउथ अफ्रीका में एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहा है, इनको बहुत एज होगा इसका। चलें, अभी एज की बात की, आसिफ आपसे ज़रा मेरा एक सवाल अब ये है बॉलिंग के मुतालिक। लाहौर कलंदर्स जो हैं वो पूरे PSL के सबसे ख़तरनाक बॉलिंग अटैक माने जाते हैं, एंड यू नो राइटली सो। उनके पास हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाफरीदी हैं, फिर उनके पास राशिद खान एक स्पिन का एलिमेंट ऐड करते हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छी मुबारकबाद है PSL को और PCB को कि जिस तरह से ये 8वां एडिशन है, बड़ा परजोश और आवाम जिस तरह से चार्मिंग हुई हुई है कि PSL स्टार्ट हो रहा है। और स्पेशली इस मैच की बात है तो वो रह गया क्योंकि होम ग्राउंड को हमेशा एडवांटेज होता है, और होम क्राउड होगा, होम ग्राउंड होगी, मुल्तान को इसमें काफ़ी एडवांटेज होगा, और मुल्तान ने ऑलरेडी वहाँ पे प्रैक्टिस खेल ली होगी, ग्राउंड की सिचुएशन का पता होगा, पिचेस की सिचुएशन का पता होगा, तो वो वेदर से भी यूज टू हो गए होंगे ऑलरेडी। तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान इस मैच में उनको थोड़ा सा एज जरूर होगा होम क्राउड का।